धनतेरस पर माँ लक्ष्मी भरती है सबके भंडार। साफ सुथरे घर में माँ लक्ष्मी करती है सदा के लिए वास। धनवंतरी देव की पूजा से होती है धन की वृषा। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ है धन को 13 गुना करना, जिसमें तेरस संस्कृत भाषा के त्रयोदश का हिंदी वर्जन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, लेकिन साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। इस दिन सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन की कथा बड़ी ही विशेष है। आज हम आपको इस दिन से जुड़ी कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने और पढ़ने से ही आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन कथाओं के बारे में। पहली कथा। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वो भी पृथ्वी लोक आ गई। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को उसी स्थान पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वो चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहाँ पर उन्होंने किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध में श्राप दिया कि वे उसी किसान की 12 वर्ष तक सेवा करें। लक्ष्मी जी के वास से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। किसान ने भी ठीक वैसा ही किया और ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन रहा। मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। देश के सभी छोटे बड़े बाजारों में बर्तनों की दुकानें सजती हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। कथाओं में ये भी जिक्र है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है और चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि के साथ मन को शांति भी मिलती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। कहते हैं कि अगर कोई धनतेरस पर विधि पूर्वक पूजा करे और दीप दान करे तो उसे अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भगवान यम की पूजा का भी इसी दिन विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथाएं। इसके साथ ही धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।